कैसे हैं सभी लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं रजन आप लोगों के सामने मौजूद हूँ और मैंने अपनी डीसा की क्लासेस रिसेंटली चालू की, ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस एक तरीके से। और ना मेरे पास में एक सवाल आ गया कि सर, आपने जब अपनी पहली क्लास ली तो हम लोगों को ना आपने बताया नहीं कि कोर्स क्या है, ये क्या है, प्रोस्पेक्ट क्या है। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य ये जगह कि अच्छा, इसका मतलब शायद मेंबर ने अभी तक अपनी जो डीसा की जो होती है ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बैचेस, वो शायद पूरे नहीं किए। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स तो हैं, तो मैंने कहा जब पढ़ा तो जीरो से रहे, उन्होंने बोला पढ़ाने में तो एकदम मजा आ रहा है लेकिन हम थोड़ा सा स्कोप वगैरह के बारे में जानना चाहते थे और कोर्स क्या है, रजिस्टर कैसे करते हैं, वो सब भी जानना चाहते थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेशन इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, यानी कि हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज इट एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने एक वेबसाइट खोली है, दैट इज pqc.ici.org। थोड़ा सा याद रखना, आप जब सर्च करो तो आप ऐसे सर्च कर लेना pqcicai, दैट इज पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स, pqcicai। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और अपना अभी समय भी है, अगर अपना कुछ और एनहांसमेंट करना चाहते हो, स्किल्स एनहांसमेंट करना चाहते हो और कुछ नए नए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जिनके बेसिस पे आप लोगों को और थोड़ी सी शिक्षा मिल जाए और आगे के प्रोफेशनल करियर में बड़ा काम आता है, जॉब पे भी काम आता है, मैं बताऊंगा कहां पे, और प्रोफेशनल्स को तो काम आता ही आता है कि एक आईएसए का सर्टिफिकेशन या डीसा का सर्टिफिकेशन क्या करता है। खैर, ये पोर्टल सभी के लिए, प्रोफेशनल्स जो भी प्रोफेशनल्स बन चुके हैं उनके लिए पोर्टल अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर उनके लिए जो कि प्रैक्टिस में जा रहे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हो तो डेफिनेटली ये पोर्टल से आपको प्यार हो जाना चाहिए, मोहब्बत हो जाना चाहिए अभी से। उसका रीजन ये है, अरे बड़े बड़े सर्कुलर आ रहे हैं, सो बोल रहे हैं कि भैया कोई भी प्रोग्राम वगैरह जो है, बैचेस वगैरह जो आपके लगा करते हैं, वो अभी थोड़े टाइम के लिए, समझ रहे हो ना, हाँ बंद है। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, होम, स्पेशलाइज मेंबर्स, अबाउट अस, फॉरकमिंग इवेंट्स, कॉन्टेक्ट अस, ई लर्निंग ऑन आरपीए, रजिस्ट्रेशन गाइड, साइन इन वगैरह वगैरह वगैरह। तो कुछ 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 दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे बड़े सारे कोर्सेज हैं और डेफिनेटली ये जो स्क्रीन फ्लिकर मार रही है ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। सो आप अगर थोड़ा देखेंगे इसको, थोड़ा छांटेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे डिप्लोमास भी हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं। एक है यहाँ पे डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट, दिस इज कॉल्ड आईएसए पीक्यूसी। आप ऐसा भी सर्च कर सकते हो तो भी आपको बैच मिल जाएगा और इसका प्राइस जो आ रहा है वो अभी मजे की बात है 14,000 आ रहा है। अभी आपको रजिस्टर करा लेना चाहिए अगर आपको इसमें इच्छा है। उसका रीजन ये है कि ये जो कोर्स है ना, ये वैसे 20,000 का था, पुराने मेंबर से पूछ लेना वो अपना दर्द बयां कर देंगे। अभी बोर्ड ऑफ स्टडीज ने इन शायद सारे कोर्सेज को सस्ता कर दिया और ये डिसाइड किया गया है कि भाई ये इन कोर्सेज को हमको सस्ता रखना है। सो अभी कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं इनपे और आईसीआई के कोर्सेज पे डिस्काउंट चलने वाला अपना में बड़ी बात है, राइट। तो डिस्काउंट चल रहे हैं तो आप यहां से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब आप रजिस्टर वगैरह करेंगे वो सब आपको करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन के बाद होता क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप देख सकते हो, वैसे आप रजिस्टर करने से पहले ये देख सकते हो कि आने वाले इवेंट्स कौन कौन से हैं। सो आप देख सकते हैं कि फोर्थ कमिंग अगर हम देख रहे हैं तो आईएसए पीक्यूसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। मैं कुछ डिटेल्स देख रहा हूँ, डिटेल्स देखने पे बता रहा है कि कुछ बैचेस लगने थे औरंगाबाद के, बड़ौदा के, अभी क्यों नहीं आ रहे, आपको समझ सकते हो कोविड वाली सी चीज आ चुकी है। लेकिन इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहां कहां पे अभी ये बैचेस चल रहे हैं। अब कोर्स रजिस्ट्रेशन करना है, कोर्स फी पेमेंट करना है, सब बता दिया इन्होंने कि इस तरह से कुछ है और उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें हैं और आप जब करेंगे तो आप ईसा कोर्स 2.0 में रजिस्टर हो जाएंगे। और उन्होंने बताया कि इसमें कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनके आप ई लर्निंग भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी लोकेशनल प्रेफरेंस के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तो अभी कहां तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिलीगुड़ी वाले लोग कर ले, औरंगाबाद कर ले या उसके आसपास के लोग कर सकते हैं, बड़ौदा वाले कर ले, गाजियाबाद कर ले, रत्नागिरी वाले कर ले, लुधियाना वाले कर ले, ये जो वायरस का फालतू बता रहे हैं ना, ये फालतू का ऐड है, और अमरावती ब्रांच वाले, लुधियाना वाले, तो ये क्या होता है, ये आते रहते हैं, ठीक है। इस तरह के बैचेस अनाउंस होते रहते हैं। तो अभी इन सभी के पास में अपॉर्चुनिटी, पीछे जिन्होंने पीटी बैच वगैरह कर लिया है, जो इतना ऑलरेडी जानते हैं, उनको तो मेरे से कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, वो तो वीडियो को बंद करो और अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप ले सकते हो, वो हमारे पास में है। अच्छा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आप यहां से रजिस्टर होते तो आपके पास में कुछ मॉड्यूल आएंगे, मॉड्यूल कितने पढ़ने पड़ते हैं, 7, और 7 पढ़ने के बाद आपका कुछ काम बनेगा और ये सारे बैचेस आ रहे हैं। कोर्स की स्कीम भी बता दी उन्होंने, रजिस्ट्रेशन करोगे ये सब कुछ होगा, प्री कंडीशंस फॉर अपीयरिंग इन ईसा एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, एक होता है ईटी यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट और एक होता है एटी, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, पहले आपको एग्जाम के लिए एलिजिबल होना पड़ता है,
मतलब आप एग्जाम दे सकते हो कि नहीं दे सकते, देने लायक हो या नहीं लायक हो, उसके लिए पहले एक एग्जाम होता है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन का फॉर्मेट क्या है, जब आप अपनी ये पीटी बैचेस होते हैं ना, पीटी बैचेस क्या होते हैं, पीटी बैचेस आपके शहर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिनके भी अभी नाम आ रहे हैं, तो उधर के मेंबर्स वहां पे जा सकते हैं। अब वहां पे जैसे ही अनाउंस होता है पीटी बैच, तो वहां पे फैकल्टीज आती है। क्या मैं भी एक डीसा फैकल्टी हूँ? जी हाँ। तो कभी कभी कुछ मॉड्यूल्स पे लेक्चर मैं भी लेना चाहता हूँ। तो आपके जैसे 7 मॉड्यूल हैं, इनमें से एक मॉड्यूल जो 5th है वो सेल्फ लर्निंग पे है, बाकी सब मॉड्यूल के ना टीचर आके आपको कुछ पढ़ा के जाते हैं। तो सैटरडे संडे आएंगे, आपको 6-7 घंटे के सेशंस देंगे, और जो टीचर्स हैं बड़े वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो काफी सारा ज्ञान आपको देके जाते हैं, ठीक है। अब वो हो जाने के बाद आपके उन्हीं के बीच में, उन्हीं के दौरान में कुछ क्लास टेस्ट भी चल रहे होते हैं, जो कि मैं आपको बोलूं कि आप वहां पे पढ़ रहे होंगे तो आप साथ साथ क्लियर भी कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, और हो जाते हैं, ठीक है। तो वो 20-20 नंबर के छोटे छोटे एमसीक्यू टेस्ट भी करते हैं, वहां पे हो जाते हैं, तो 60 मार्क्स तो वो हुए, और एक 20 नंबर का ग्रुप प्रोजेक्ट देते हैं, जो भी आप लोग आराम से मैनेज कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, इजी सा है। तो ये 80 मार्क्स हो गए, इन 80 में से आपको 60% स्कोर करना है टोटल मिला के, और फिर एक पेपर अलग से होता है 120 नंबर का, जो कि एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है, उसमें भी 60% आपने स्कोर करना है, यानी कि 72 मार्क्स आपको लेकर आने जरूरी है। अच्छा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। फिर आप मेन एग्जाम दे सकते हो, दैट इज नोन एज द असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। जनरली जो एग्जामिनेशन है जून दिसंबर में होता है, और जून दिसंबर में होता है, तो इसके पीछे का एलिजिबिलिटी टेस्ट कब होता है, आपके जस्ट एक महीने पहले, राइट। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है। अब जब आप अपनी पीटी वगैरह कर लेते हो, तो डेफिनेट बात है कि पीटी खत्म करने में और एग्जाम होने में काफी टाइम होता है। जैसे अभी जो बैच लग रहे हैं उनका एग्जामिनेशन दिसंबर में, तो बीच में गैप आ जाता है, काफी चीजें भूल भी जाते हैं, काफी चीजें नहीं भी क्लिक होती हैं, और क्या होता है कि हम लोगों की इसमें पीछे कोई बहुत तेज अंडरस्टैंडिंग भी नहीं रही है काफी लोगों की, तो इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं इसमें लैग बिहाइंड कर जाते हैं। तो यही रीजन रहा हमारा क्लासेस निकालने का और इसके बारे में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता था, क्योंकि आप न्यूली क्वालिफाइड मेंबर हो, अगर आपको मालूम होना चाहिए जाना कहाँ है, करना क्या है, होता क्या है। अब रही बात थोड़ी बहुत स्कोप के बारे में, सर स्कोप के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करो, तो थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ज्यादा नहीं बोल रहा। हाल फिलहाल अगर आपको बैंक का कॉन्करेंट ऑडिट चाहिए, तो आपकी फर्म में एक डीसा पार्टनर होना जरूरी है, ये तो रही नॉर्मल सी बात। अब आप बोलोगे कि ठीक है, अगर ये करेंगे तो हमारे कुछ पॉइंट्स ऐड होंगे, और पॉइंट्स ऐड होंगे तो मैंडेटरी सर्कमस्टांसेस जो है वो सारे पूरे होते हैं। हाँ, अगर ज्यादा मेंबर्स होते हैं तो ज्यादा पॉइंट ऐड हो जाते हैं, लेकिन एक मिनिमम मेंबर तो चाहिए। तो आपके लिए फायदा है, काफी लोग तो डीसा सर्टिफिकेशन वाले मेंबर्स को ढूंढते हैं ताकि अपनी टीम में शामिल कर सके बैंक ऑडिट करवाने के लिए, तो ये कहना कि आपको वहां पे हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनल ऑडिट का बहुत बड़ा डोमेन है सिस्टम्स ऑडिट। अब आप समझो ना, ऑर्गेनाइजेशन है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, और हम देखो ना, मैं भी ऑनलाइन कोचिंग में जा रहा हूं, तो हम लोग भी ऐसे बिजनेसेस में मूव कर रहे हैं जिनका जो बेसिक थ्रस्ट है या जो बेसिक पुल है वो टेक्नोलॉजी, और आगे जाकर ये बढ़ना ही है। और ये कोरोना वाली जो सिचुएशन है तो सभी को सिखा रही है कि सिस्टम्स में मूव करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली जो हम कंप्लायंस चेक करने का काम करते हैं एज ए सीए, जिसको हम बोलते हैं अटेस्ट फंक्शन, थप्पामारी, वो थप्पामारी में ना बहुत ज्यादा स्कोप रह नहीं जाने वाला, बल्कि हम जितना एडवाइजरी में या ऐसे किसी डोमेन में जाएंगे जहां पे हम बता पाए कि सिस्टम्स में क्या फ्लॉ है, क्या दिक्कत है, क्यों ये अच्छा नहीं चल रहा है, उसका ऑडिट कर पाए और हम उस पर रिव्यू रिपोर्ट दे पाए इंटरनल ऑडिट के तर्ज पे भी, और सिस्टम ऑडिट यानी एक्सटर्नल ऑडिट वाले तर्ज पे भी, अगर हम दोनों तरीकों से यहाँ पे अपना स्किल इन्हांस करते हैं तो ये हेल्पफुल है। अब ये जो ISA का कोर्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का जो कोर्स है, इसके अंदर जो ग्लोबल कोर्स है सीसा, उससे भी ये काफी हद तक मेल खाता है, और इसमें काफी सारा कंटेंट वही वाला भी है। तो जो मेंबर्स लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके सीसा करना चाहते थे और एडवांस सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, जो कि ग्लोबल लेवल पे रिस्पेक्टेड है, अगर वो वहां तक भी जाना चाहते हैं, लेकिन वो कोर्स बड़ा महंगा भी है, तो वहां तक जाना चाहते हो तो भी उसका एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है, क्योंकि यहां से आपको एक बहुत अच्छी, आपको एक थॉट प्रोसेस मिलेगी, आपको समझने की एक, आप काफी चीजों को समझ पाओगे और उसके बेसिस पे आगे जा पाओगे। अब ये मैंने आपको समझाया थोड़ा बहुत इसके बारे में, ज्यादा तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमारी क्लासेस वगैरह जो है वो जरूर चलती है, तो वो सब जो है वो अगर आपको चाहिए हो तो डेफिनेटली आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बोलोगे कॉन्टेक्ट कैसे करना है, तो जी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कैसे, ऐसे। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है इस चीज को लेकर के, तो डिस्कस कर सकते हो। एक और भली बात आती है कि सर आपकी क्लासेस अगर मैं एकदम नया हूं और मैं पहली पहली बार करना चाह रहा हूं, मतलब मैं अभी पीटी बैच अटेंड भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उससे पहले ही आपका ज्ञान लेना चाहता हूं, तो क्या मैं ले सकता हूं, तो जी हाँ बिल्कुल ले सकते हो। तो ये जो एक चीज मिसिंग थी मैंने आपको दे दी, मैंने आपको बता दिया, उन बच्चों के लिए, सभी के लिए जो स्टार्टिंग से सोच रहे हैं कि यार अभी अभी मेंबर बने हैं, टाइम अच्छा खासा है, खाली बैठे, कुछ स्टार्ट ही कर लेते हैं, कुछ शुरू ही कर लेते हैं, तो आप इस कोर्स के ऊपर, ज्वाइनिंग के ऊपर अभी सोच सकते हैं। सोचना कब है, जब आपके आसपास बैच आ जाए,
अगर आप अभी नहीं भी सोचते हो तो हर बड़ी सिटी में हर 6 महीने में एक बैच होता ही है। सिंपल बात है, हर बड़ी सिटी में हर 6 महीने में एक बैच होता ही है। तो अगर आपको दिख रहा है कि मेंबर्स की तादाद अपनी सिटी में अच्छी है, उस सिटी में हर 6 महीने में एक बैच होता है, तो आप ऑलरेडी अपने आपको प्लान कर सकते हो। सो इफ यू नीड क्लासेस सिंस यू आर फ्री एट दिस वेरी मोमेंट, दिस कैन हेल्प यू। सो पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स जो आपकी लाइफ बदल सकता है वो डीसा है, और आगे जाकर के ना बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन बनने वाला है। और मैं इतना भी बता दूं कि बहुत सारी चीजें जो है कंपनी के प्रोसेसेस बहुत सारे ऑटोमेट हो रहे हैं, और आगे जाके जो कंप्लायंस फंक्शन आप पूरा करते हो वो भी ऑटोमेट भी हो जाएगा और सेल्फ असेसमेंट पे भी आ जाएगा। और मुझे लगता है कि हमारे जो यंग मेंबर्स हैं और इनफैक्ट जो हमारे एक्सपीरियंस मेंबर्स हैं, दोनों ही इस बात को एग्री करेंगे। सो उसमें कोई डिनायल नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपने इन सब चीजों के बारे में जाना। अच्छा, ऊपर साइड में लिंक भी आ रहा होगा, वो लिंक किसका आ रहा होगा, एक डिस्प्ले आ रहा होगा, उस पे मेरी जो है क्लासेस के बारे में आपको बता रहे हो। तो वो अगर आपको वीडियो देखना है, पहली क्लास देखनी है, तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा आइडिया होगा, फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।